इसका काट ये है, मनुस्मृति का काट यही है, बाबा साहब का संविधान। अगर ये घड़ी आप अपने घर में लगाते हैं तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। शादी में जाते हैं या कहीं जाते हैं किसी बड़े आदमी मोमेंटो के तौर पे, तो ये बाबा साहब की प्रतिमा दे सकते हैं। कितना खूबसूरत, देखिए संविधान सबसे उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, वही हमारा धर्म ग्रंथ है। मुकेश सहनी जी को अचानक संविधान की जरूरत पड़ी, बोले वेद भाई संविधान है आपके पास? हम बोले हाँ है, और उनको इनका संविधान हमने गिफ्ट किया, वो फोटो भी हम लगा देंगे। ठाकुर का कुआं वाला किताब है, हाँ सब मिलेगा। दलित लोग पढ़ लिख के क्या कहेगा हमको, गैंगमैन, खलासी, ट्रैकमैन, चपरासी, मास्टर, ये है सबके नौकरी कैसे कैसे लग जाए। लेकिन दलित अगर यहाँ आएगा और इस तरह की किताब देखेगा, दलित कौड़ी से करोड़पति, तो दलित लोग भी सोचेगा कि हमारा पति खराब पति कैसे बने। हमारे समाज के जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो भी सोचेंगे कि हम भी इनकी तरह बने। मात्र आपको 30 रुपये में बहन जी की पूरी जीवनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब किसी को गिफ्ट करना होता है इसको फ्रेम करवाते हैं बढ़िया से, लेमिनेशन करा के, और ये गिफ्ट करते हैं। भारत शूद्रों का होगा, पिछड़ा वर्ग ही असली शूद्र है। आसे अशोक महान, आसे अम्बेडकर, इसे इतिहासकार, इसे वी रामास्वामी, उसे उधम सिंह, उसे उदा देवी पासी, A4 अम्बेडकर, B4 बुद्धा, C4 चंद्रगुप्त मौर्य, D4 दीक्षा भूमि, E4 एकलव्य, तमाम बहुजन लीडर्स के तस्वीरें मिल जाएगी। मेरा कब तक है ये? 12 तारीख तक है। 12 तारीख तक, 12 तारीख। टाइमिंग क्या होता है इसका? सुबह आपका 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। और जो इस मेले की जो एंट्री है वो गेट नंबर 10 से है। गेट नंबर 10 से, गेट नंबर 10 से एंट्री है, ये याद रखें क्योंकि इस बार जगह थोड़ा चेंज हुआ है। पटना के पुस्तक मेले में हम हैं और सम्यक प्रकाशन के जस्ट सामने में हमारे साथ बेसर होंगे। और जिस प्रकार से हर साल यहाँ मेला लगता है और सम्यक प्रकाशन बहुजनों के लिए अनेक प्रकार की किताबें यहाँ पे लेके आती है, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, और क्या सब मिलता है आप अपने शब्द में बताते चलिए। क्या मिलता है यहीं से देख लीजिए, हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप कार रखते हैं तो बाबा साहब का डैशबोर्ड पे ये चिपका दीजिए, बहुत खूबसूरत है। रिंग है, आप शादी विवाह में जाते हैं कई बार लिफाफा नहीं रहता आपके पास, रात में अचानक आपके ये लिफाफा नहीं है मेरे पास, पैसा डाल के किस में दे, तो ऐसा वाला देखिए, गौतम बुद्ध का, बाबा साहब का है, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले का है, हाँ इस तरह से देखिए, इस तरह का हम लिफाफा इनके यहाँ से 2 खरीद लिए। अब उसको कार के डेस्क में हम रखते हैं, अब जहाँ जाते हैं कार से ही जाते हैं, अब उससे निकाले पैसा डाले दे दिए, चाहे 500, 1000, 2000 जितना भी देना, तो ये लेके अगर आप रख लेंगे 10, 20, 50 की संख्या, तो आपको ये हर बार जाके खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ यहाँ पे खरीद लीजिए। बाबा साहब की कितनी अच्छी प्रतिमा है, कई बार हम किसी शादी में जाते हैं या कहीं जाते हैं किसी बड़े आदमी से मोमेंटो के तौर पे, तो ये बाबा साहब की प्रतिमा दे सकते हैं किसी को भी, चाहे गरीब आदमी के यहाँ जाए चाहे अमीर आदमी का यहाँ जाए, तो बाबा साहब की प्रतिमा दे दें तो आप फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो भी खूबसूरत, चाहे गौतम बुद्ध की बात करें, अशोक स्तंभ की बात करें, तो ये देखिए गौतम बुद्ध की कितनी अच्छी प्रतिमा है, बाबा साहब की कितनी अच्छी छोटी सी प्रतिमा है, बच्चों को दे दें ये टूटेगा फूटेगा भी नहीं, बहुत अच्छा है, हल्का भी है, बच्चों के हाथ में आराम से आ जाएगा। हाँ गाड़ी में झंडा लगाते हैं ना गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पे, देखिए ये पंचशील का झंडा है, जय भीम का झंडा है, इसको भी लगा सकते हैं। ये देखिए लॉकेट है, तो बच्चे लोग जो लॉकेट, ये देखिए की रिंग है, चाबी वाला रिंग है, चाबी इसको यहाँ देखिए, बाबा साहब और गौतम बुद्ध के चाबी में रिंग है, चाबी का रिंग है, आई पंचशील का है स्टिकर, यहाँ ये लगाने का है। तो ये सब सर दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है मार्केट, हर जगह नहीं मिलेगा आपको ये सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पे ही एक साथ इतना सब कुछ मिलेगा। देखिए कार में लगाने के लिए ये सब खूबसूरत, ये आपको कितना खूबसूरत देखिए, तो शानदार कलेक्शन का, हाँ जबरदस्त। और घड़ी भी देखिए बाबा साहब घड़ी, और नाइट बल्ब के रूप में इसको यूज कर सकते, देखिए कितना अच्छा जल रहा है, देखिए हाँ रात में रूम में लगा दीजिए, बाबा साहब ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। हाँ अब बाबा साहब का कैलेंडर है, कपिल जी से बात कीजिए, कहाँ से इतना शानदार कलेक्शन एकत्रित करते हैं सर? ये सब हम अपना क्या कहते हैं कलाकारों को इकट्ठे करते हैं, और हम अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए। अच्छा, पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था? पिताजी का स्टार्ट किया हुआ है, नहीं बोलिए आप, ये मिशन है हाँ, शांति स्वरूप जी का, ये हमारे पिताजी ने, ये साहित्यिक क्रांति जो इसको फैलाई है, हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लंबे अरसे से 1997 से हमने स्टार्ट किया है,
97 से क्या, और 2003 से हम लगातार आ रहे हैं वेद भाई से, तो 2003 से हम लगातार मिल रहे हैं यहाँ पर। एक बार याद है आपको कि जो बाबा साहब का कैलेंडर फोटो था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, उसको लेके कितनी बड़ी संख्या में लोग बाबू भवन हाँ। के अंदर सभागार के अंदर हुआ, और कम से कम 30-40 लड़के आए थे अपने सर के साथ, और सब वो पोस्टर लेके पूरे मेले में घूमे और बाहर निकले, और हिंदुस्तान जो अखबार आता उसके अंदर वो उसके अंदर खबर आई उसकी, खबर आई कि स्पेशल हाँ बाबा साहब का वो फोटो लेके सबके सब फोटो यहीं से लिए गए थे। हाँ यहीं मिलेगा, सबको आना चाहिए, खास करके दलितों में तो जागरूकता है, और सबसे ज्यादा जागरूकता हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है दलितों में, है तो एक खास समाज के लोगों में है, तो बाकी समाज के लोग है पासी पासवान और बाकी लोग जो रजक समाज, उतनी जागरूकता नहीं जितना रविदास में, तो ये लोग इन सब चीजों को पढ़ावे, खाली कपिल शर्मा शो मोबाइल में देखिए हा ये करने से कुछ नहीं होगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये सब पढ़ाइए, क्या पुस्तकें हैं यहाँ पे उसको भी हम दिखाने का, केवल केवल खाली यहाँ पर दलित साहित्य नहीं इस वक्त, अब आप ये कहीं यहाँ पूरा बहुजन साहित्य है, जैसे कि हम जगदेव बाबू पर लाए हैं, रामस्वरूप वर्मा जी पर लाए हैं, कपूरी ठाकुर पर हमारी किताब आ रही है, भिखारी ठाकुर के ऊपर आई है, जितने भी अपने ओबीसी समाज के महापुरुष हैं, जितने भी दबे कुचले समाज के, जितने भी अपने गुमनाम अपने वो हैं, जितने बहुजन नायक हैं, सबको सम्यक प्रकाशन ढूंढ के ला रहा है, और जनता जनता कलेक्ट कर रहे हैं, उनका लेखन कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि जनता को अपने गुमनाम जो हमारे योद्धा हुए हैं है ना, उनके बारे में जानकारी मिले। क्या कहेंगे बेसर पुस्तकें कुछ आप दिखा सकते हैं तो? हाँ, बहुत सारी किताबें, हम सबसे पहले तो सबसे बड़ा चीज हमारा संविधान है, डिस्काउंट भी सर देते हैं, डिस्काउंट सबको डिस्काउंट देते हैं हम यहाँ पर आने वाले जी सर, संविधान सबसे उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, वही हमारा धर्म ग्रंथ है बाबा साहब का संविधान, इधर देखिए इंग्लिश में भी है, तो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश में, हिंदी वाला खूब बिकता है आपका, सबसे ज्यादा संविधान ही बिकता है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है कि सम्यक प्रकाशन पर इस वक्त 9 प्रकार के संविधान है, 9 प्रकार के संविधान है, छोटे साइज में चाहिए वो मिलेगा, गोल्डन साइज में चाहिए वो मिलेगा, केवल इंग्लिश में चाहिए वो मिलेगा, और हिंदी इंग्लिश के अंदर भी एक गोल्डन में है और एक पेपर बैग के अंदर है, जैसे कि आपका ये इंग्लिश में है, और जैसे आपने बाहर लगे हुए संविधान, और भारत सरकार का जो लोकसभा से जारी होता है वो संविधान भी हमारे पास है। अच्छा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेज हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, सब अमेंडमेंट के साथ पूरा अपना है। थोड़ा और सर पुस्तकों के बारे में, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो कौन कौन सी पुस्तकों को प्रेफरेंस के तौर पे पढ़े, हमारे आजाद सर हैं बीएसपी के बड़े नेता हैं सर, आप भी पुस्तक मेला में मिले हैं, आपका भी स्वागत है चैनल में, हमें ये बताइए हमारे समाज के लोगों को कौन कौन सी पुस्तकें मुख्य रूप से पढ़नी चाहिए। देखिए, यहाँ सम्यक प्रकाशन में बहुजन लिटरेचर का बहुत ये बड़ा प्रकाशन है, और बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान, ज्योतिबा फूले, देखिए अभी हम लोग देखिए जाति का विनाश जो बाबा साहब अम्बेडकर जो एनिहिलेशन जो कास्ट जो लिखे हैं, इनका भाषण है ये, वो है उनका सब विस्तृत रूप से दिया हुआ है, तमाम जो हमारे महापुरुष है अम्बेडकर जी हैं, संत रविदास जी हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सभी का पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है, और हम लोग बाबा साहब का सब किताब मिल सकता है, सब यहाँ पे मिलता है, जितना उनका भाषण वगैरह है उनके द्वारा लिखित किताब है, पूरा है, एक एक चीज है, सब चीज है। पिछली बार हम आए थे तो हमारे भाई साहब हमको संविधान गिफ्ट किए, और उस संविधान की जरूरत पड़ गई बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी को अचानक संविधान की जरूरत पड़ी, बोले वेद भाई संविधान है आपके पास, हम बोले हाँ है, और उनको इनका संविधान हमने गिफ्ट किया, वो फोटो भी हम लगा देंगे। अच्छा, सम्यक प्रकाशन वाला वो चाह रहे थे, मुंबई में कोई उनका ऑफिस है तो वहाँ पर जो प्रेमबल है उसको बड़े से आकार में हाँ गोल्डन में छपवाना, तो उसी को स्कैन करके वहाँ करवाएंगे, उसमें जो फोटो दिया हुआ। हाँ। और सर बेसर आप तो लगातार किताबों से जुड़े हुए हैं, आप भी सर किताबों से जुड़े हुए हैं, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन सी किताबें हैं जो पहले प्राथमिकता के तौर पे भारत का संविधान, सबसे पहले संविधान, भारत का संविधान, और कौन कौन सा कलेक्शन है थोड़ा सा अपने दिखा देते हैं। ललन सिंह यादव जी का इधर देखिए, ये सब है, ज्योतिबा फूले जी का है, गुलामगिरी है, देखिए सब लोगों को पढ़ना चाहिए गुलामगिरी पढ़ना चाहिए, गुलामगिरी वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और जूठन है आपके पास सर, जूठन जूठन की चर्चा अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को लेके जो अभी ठाकुर का कुआं जो चल रहा था पूरा, वो सारी किताब यहाँ मिलेगी आप पूरे ठाकुर का कुआं वाला किताब है सब मिलेगा सब हमारे पास, दिखा देते ठाकुर का कुआं और
जूठन, जूठन को लेके एक आप याद कीजिए प्रकरण को, जिस प्रकार से मनोज झा ने संसद में पढ़ दिया था और जिनके अंदर ठाकुर था और ठाकुर जग गया था। तो यही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये किताब जीवनी है, उनकी जीवनी है, ये जीवनी है, पार्ट वन है, पार्ट टू भी इसकी, पार्ट टू भी है। हाँ, इसको पढ़ के आप रो दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको आप पढ़ के रो दीजिएगा। ये देखिए जातिगत जनगणना, हाँ, बिहार में अब पूरे देश में बात चल रही है जाति जनगणना की, और यह क्या है जातिगत जनगणना का सच, ये जातिगत जनगणना का सच जितेंद्र वर्मा की लिखी किताब है। तो जिनको संकोच हो, जिनको लग रहा हो कि जातिगत जनगणना क्या है, तो इनको ये पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए अछूत कौन और कैसे, बाबा साहब का लिखा हुआ किताब आपको मिलेगा, अछूत कौन और कैसे, मतलब पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा कि अछूत किसको कहा गया, क्यों कहा गया, उसका इतिहास क्या है। साथ में आपको जो है यहाँ देखिए संविधान का प्रियम्बल लिए हैं, खरीदे हैं हम लोग, अब फ्रेमिंग करा के हम लोग घर में लगाएंगे। संविधान का प्रियम्बल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और यहाँ से सब कोई ले जाता, पूरे बिहार से यहाँ के लोग ले जाते हैं, स्पेशल आते हैं। और देखिए घड़ी भी है, यहाँ देखिए घड़ी बाबा साहब के चित्रों के, चल चित्रों के ऊपर घड़ी बनाई गई है, घड़ी को आप देख सकते हैं, बाबा साहब की तस्वीर वाली एक घड़ी है। अगर आप इसको घर में लगा दीजिए तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा, बार बार बाबा साहब के, आपका समय बढ़िया हो जाएगा। अगर ये घड़ी आप अपने घर में लगाते हैं तो आपका समय अच्छा हो जाएगा, टाइम खराब होगा ना तो टाइम अच्छा हो जाएगा। और यहाँ देखिए आप बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत की बहुत अधिक चर्चा होती है, चूंकि एक प्रेस भी उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम से, ये हम ले रहे हैं जी, हाँ आज ले रहे हैं, हाँ ये ले रहे हैं। अच्छा, जो पसंद आ गया तो फिर दाम नहीं पूछना होता है। मिल जाता है, हाँ हाँ हिसाब से, हाँ हाँ, आज ज्यादा यहाँ आपसे लिया भी नहीं जाता, डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। हाँ, ये सब देखिए कालजयी पुस्तक, इसको आप कहेंगे बहिष्कृत भारत है, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले लगातार, हाँ, सचित्र फूले जीवनी। सचित्र में क्या होता है ना, कॉमिक्स की तरह बच्चों को फोटो दिखा दिखा समझाया जाता है, जी जी, हाँ, बच्चों को, हाँ, कि ये इस तरह से घटनाएं घटी, तो फोटो के साथ अगर बच्चों को कहानी बताएंगे तो बच्चों को ज्यादा दिलचस्पी आती है। तो जो बच्चे हैं छोटे, किताबों की आदत डालिए। हाँ, यहाँ देखिए बहन जी की, आयरन लेडी बहन मायावती, संक्षिप्त जीवनी आपको मात्र कितने मिलता है, ये मात्र आपको 30 रुपये में बहन जी की पूरी जीवनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। काशीराम साहब का भी है, रमाबाई अंबेडकर सचित्र जीवनी, इस किताब को जो लिखे हैं शांति स्वरूप बौद्ध, कपिल जी के पिताजी हुए और इन्होंने ही इस क्रांति की, इस मिशन की शुरुआत की। अच्छा, और पुस्तक के बहुत किताब लिखे हैं, बता नहीं पाएंगे हम, इतनी किताबें लिखे हैं। अच्छा, उनकी ही एक तरह से सम्यक प्रकाशन है, उनका ही है, उनका ही है, नहीं सम्यक प्रकाशन सबका, हम लोग का है, सबका है, शुरू वो किए, शुरू वो किए, वो हमारा है, हमारा है। और काशीराम, काशीराम जी का इधर देखिए, अरे देखिए दलित लोग पढ़ लिख के क्या कहेगा हमको, गैंगमैन, खलासी, ट्रैकमैन, चपरासी, मास्टर, ये है सबके नौकरी कैसे कैसे लग जाए। लेकिन दलित अगर यहाँ आएगा और इस तरह की किताब देखेगा, दलित कौड़ी से करोड़पति, तो दलित लोग भी सोचेगा कि हमारा पति खराब पति कैसे बने। हमारे समाज के जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो भी सोचेंगे कि हम भी इनकी तरह बने। ऊपर दिखाए झंडा जय भीम वाला, हाँ, जय भीम का झंडा देख लीजिए आप, और यहाँ पे जो है इधर भी देखिए, यहाँ देखिए बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई है, और हजारों यहाँ पे किताबें हैं। वहाँ देखिए ये जो है दुर्लभ तस्वीर आपको दिख रहा होगा, क्या है ना जी, ये वाला है ना मेरे घर, ये तो सामने लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे हजारों ऐसे पुस्तक हैं जिसको पढ़ के आपका सोच, आपका नजरिया, आपका जीवन बदल सकता है। उसका कलेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है किताबों के माध्यम से दिखेगा। क्रांतिकारी फातिमा शेख, आप समझिए कि कौन है फातिमा शेख, बहुत लोग नहीं जानते हैं। फातिमा शेख ने स्कूल के लिए जमीनें दी थी सावित्री बाई फूले को, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, महिलाओं के लिए ना। देखिए भारत सूद्रों का होगा, देखिए ना इधर जी, किनका लिखा हुआ है, हाँ, अरविंद मोहन जी, किशन पटनायक, हाँ, देखिए भारत सूद्रों का होगा, किताब है यहाँ सम्यक प्रसिद्ध। गुलाम क्यों बनाया गया, रामास्वामी पेरियार, आधी आबादी का सवाल है, जो अभी राजनीतिक दल के लोग लगातार आरक्षण
कि बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए किस तरह से गुलाम स्त्रियों को बुलाया गया है, ये सब है यहाँ पर, सारी किताबें मिल रही हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं, ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और यहाँ से बहुत सारी किताबें हम लोग खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर यही किताब सबसे अधिक सेल इसका। हम सर एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे, हमारे जो पाठ पुस्तकें हैं CBSE की हो या फिर बिहार बोर्ड की हो, उसमें जो मेन स्ट्रीम का जो कोर्स है उसमें रामायण महाभारत का सिलेबस तो है, लेकिन संविधान का हो या इस तरह के बहुजन लीडर्स के जो कहानियां हैं उसको गौण कर दिया गया है। बिहार में जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उनका इंटरव्यू किए थे तो बोले थे कि हम संविधान को शिक्षा में शामिल करेंगे, बिहार के जो स्कूली शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा अभी तक नहीं अलग की बात है, लेकिन उन्होंने बोला था करना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन में संविधान के बारे में बाल कांड सुंदर कांड ये सब पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, संविधान को पढ़ाएगा यार तो बाबा साहब को पढ़ाएगा तो लोग जानेंगे समझेंगे सब कुछ करेंगे। देखिए बाबा साहब के ऊपर बहुत ही सुंदर सचित्र मैं अम्बेडकर बोल रहा हूँ पुस्तक निकाली है, सम्यक प्रकाशन की विशेष प्रस्तुति है, इसके अंदर आप देखिए बाबा साहब की कोटेशंस हैं सारे प्रेरणादायक और सचित्र हैं पूरी, तो इस तरीके के काम करके हम गौरव को समाज को गौरवान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए दुसाध जाति का उद्भव और विकास है, ये बिहार के दुसाध जाति के लोग बहुत ही मनुवादी प्रवृत्ति के हो गए हैं, हम देखे हैं कई जगह कई गांव का दौरा किए हैं जो यहाँ के जो चिराग पर बोल रहे हैं क्या लंबा लंबा पहन रहे हैं, हम देखे कि यहाँ दुसाध जाति यहाँ सबसे अधिक है, लड़ाकू है, मगर वैचारिक रूप से जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को पढ़ना चाहिए, मैं गया हूँ कई गाँव में, रविदास जाति की अपेक्षा दुसाधों में कम चेतना है सामाजिक बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, और हम चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि दुसाध जाति के लोग जितने भी दलित लोग हैं वो अपने आप अपना इतिहास को समझें, बाबा साहब को पहचाने, काशीराम जी को पहचाने, बहुजन महापुरुषों को पढ़ें, तब आपका भला होगा, आप ये सब पाखंडवाद में ना रहें, अंधविश्वास में ना पढ़ें और पढ़ाई लिखाई पे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करें। चलिए अमन जी भी हैं, अमन जी भी साथी सहयोगी पत्रकार हैं, क्या लेके आए हैं आप? बाबा साहब की तस्वीर ये वाला सेल है यहाँ सबसे अधिक सेल, सबसे अधिक इसको अगर फ्रेमिंग करवा दिया आप तो हम तो दिल्ली से, हाँ दिल्ली से लाए हैं ऐसा ऐसा, और जब किसी को गिफ्ट करना होता है इसको फ्रेम करवाते हैं बढ़िया से लेमिनेशन करा के और ये गिफ्ट करते हैं, लाइटिंग भी बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त ये तस्वीर बाबा साहब की आइकॉनिक तस्वीर है और सबसे ज्यादा यहाँ पे तस्वीर सेल यही वाली बाबा साहब की, इसको अच्छे से फ्रेम, इतना सारे यहाँ पे किताबें हैं बहुजन समाज को लेके, यदि लोग पढ़ें आए समय प्रकाशन यदि पढ़ें तो निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण बदल सकता है सोचने समझने का, जैसे कि जो लोग कांशीराम जी के भाषण को नहीं सुन पाए जो सुन लिए वो तो क्रांतिकारी हो गए मिशनरी हो गए, जो नहीं सुन पाए तो उनके भाषण की किताब यहाँ पे हम देख रहे थे कि कांशीराम जी के भाषण की किताब है, हाँ उधर रखी हुई मैंने देखा था, हाँ तो वो चीज है यहाँ, जाति बाबा साहब का है, पेरियार जी की किताब है, क्या चाहिए जो चाहिए आपको सब मिलेगा यहाँ, आपको क्या पसंद आया यहाँ? हमको सर सबसे शानदार लगा बहिष्कृत भारत है यहाँ पे, उसके बाद आपको हिंदू धर्म का रीडर हो गया, गुलामगिरी और जूठन हमें सबसे अधिक पसंद है, जिसके कुएं खोल लेके इतना बवाल हुआ था संसद में, हाँ जो बात किए यहाँ पे आइए, हाँ आइए उसको पढ़ के एक बार देख लीजिए, हाँ पढ़ के देखिए, और भी मूल निवासियों का इतिहास पढ़ना है तो यहाँ देखिए, हाँ लेसन ऑफ कास्ट का किताबें हैं, बाबा साहब के लगभग सारे किताब यहाँ बहुत कुछ है और सब कुछ हम ही लोग बता देंगे, जगदेव प्रसाद की भी किताबें हैं सर, बिहार लेनिन उनकी किताब कैसे ना रहेगी, बिहार के वो लेनिन कहे जाते हैं बिहार लेनिन, अमन के पास क्या पसंद है अमन? देखिए यहाँ पे हर तरह का किताब मिल रहा है, ज्यादातर B.R. अम्बेडकर का ही किताब मिल रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर देश का संविधान लिखे हैं, देखिए मेरे हाथ में एक बुक है जातिगत जनगणना, अभी फिलहाल में ही बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, कुछ लोग को पेट में दर्द होता है जात पूछने से, तो अब बुक में भी जातिगत जनगणना के बारे जिक्र हो रहा है, तो उन लोग जान लें कि जातिगत जनगणना गलत नहीं है, आपका पसंदीदा बुक रहा? हाँ बहुत अच्छा लगा, किसी को जात पता लग रहा है तो गर्व की बात है, चलिए बहुत अच्छा, तो हमने अमर ज्योति भी आए हुए हैं, युवा चेहरा है, आइए सर, तो सारे बहुजन युवा नेता भी आपको यहां पे, बिहार में ताड़ी बंद है, देखिए बिहार में नीतीश कुमार ताड़ी बंद किए हुए हैं, इससे उनको घटा है लेकिन दलित समाज के जो भी ताड़ी बेचते हैं उनको फायदा है, आखिर कहे इतना परेशानी कर रहे हैं, यहाँ बुक भी छप रहा है, चाहे नेता हो, अभी मैं विधायक जी को देख रहा था, संदीप सरोज जी भी आए हुए थे, अमर ज्योति भैया का भी आगमन हो गया, इनसे ही बात कर लेते हैं, तब क्या क्या बुक पसंद आया?
बहुत सारी किताबें हैं बहुजन महापुरुषों से रिलेटेड, भारत का संविधान भी है यहाँ पे, भारत का संविधान सबसे ज़्यादा बिकता है, जो भी लोग बिहार से पटना पुस्तक मेला में आते हैं वो लोग भारत का संविधान अधिकतर खरीदते हैं, और भी बहुजन महापुरुषों की जो तमाम किताबें हैं वो सारी किताबों की खरीदारी करते हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो अपना इतिहास दिखाइए थोड़ा सा कौन सा आपके हाथ में है। पिछड़ा वर्ग ही असली शूद्र है, शूद्र कहाँ मानता है पिछड़ा वर्ग सर, नहीं किताब पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल उसके लिए तो किताब पढ़ना पड़ेगा ना, तब उसको इतिहास पता चलेगा, शूद्रों का इतिहास हो, बिल्कुल बिल्कुल, शूद्रों का, बाबा साहब ने क्या लिखा, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने क्या लिखा, ललई सिंह यादव जी ने क्या लिखा, राम स्वरूप वर्मा जी ने क्या लिखा, महात्मा फुले ने क्या लिखा, इन सब चीजों को जब ओबीसी के लोग हैं जब पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा कि शूद्र कौन है, अति शूद्र कौन है। फुलन देवी जी की किताब है वहाँ देखिए, बिल्कुल बहुत फुलन देवी, मेरा फुलन देवी, फुलन देवी देख लीजिए उनके क्या है, बैंडिट क्वीन फुलन देवी मेरा जीवन मेरा संघर्ष, इस किताब को देख सकते हैं। ऊपर देखिए भीम चरित्र मानस, भीम चरित्र मानस जी बिल्कुल, ये बहुत सारी किताबें हैं जो बहुजन आइडियोलॉजी मीन्स बौद्ध धर्म को लेके सारा किताब यहाँ पे एक एक इंस्टॉल पे आपको सम्यक प्रकाशन में मिल जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अछूत कौन और कैसे, जो लोग कहते हैं कि छुआछूत है वो पहले बुक पढ़े उसके बाद उनको ज्ञान होगा, तो इस तरह का भी किताब यहाँ मौजूद है, लगभग किताब जो बाबा साहब ने लिखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कुछ दिखाना चाह रहे हैं सर? हाँ वो दिखा रहे हैं, आइए। योग्यता मेरी जूती, योग्यता मेरी जूती, योग्यता मेरी जूती किताब ढूंढ रहे हैं, कपिल जी ढूंढ रहे हैं, योग्यता मेरी जूती पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आईएएस का जब पहली बार एग्जाम हुआ था तो रिटर्न एग्जाम में दलित टॉप किए थे रिटर्न एग्जाम में, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो नीचे उनको सबसे नीचे चल गए, इंटरव्यू नंबर नहीं दिया, नहीं दिया। ये तो अभी भी हो रहा है, ये अभी भी होता है, लेकिन जब आईएएस की परीक्षा हुई थी पहली बार तब से ये चल रहा है। योग्यता मेरी जूती इस तरह की किताबें हैं बहुत सारे, पर्दे के पीछे महीन जातिवाद, हाँ महीन जातिवाद ना, हाँ जो दिखता नहीं है लेकिन हो जाता है, हो जाता है। और ये देखिए भीमचरितमानस है, जैसे कि रामचरितमानस है उसी तरह से हिसाब से लिखा गया, हाँ। तो दिखाइए इसमें, इसमें जैसे आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं उसी संदर्भ में लिखा हुआ है ना, दोहा गीत अर्थ उसी साथ चौपाई बना के, यहाँ दिखाइए, ईश्वर ने नहीं बनाया दुनिया, स्टीफन ईश्वर दुनिया नहीं बनाया है, सम्मान गठन है जी, स्टीफन हॉकिंस की किताब है, उनके मतलब व्यक्तित्व पे उनके विचार पे है, काफी महापुरुष है, ब्लैक होल का सिद्धांत इन्होंने दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत चीजों का आविष्कार में उनका योगदान रहा है, और देखिए न्यूटन के उत्तराधिकारी माने जाते रहे जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारे बहुजन के पत्रिका है जिनको आम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तो बहुजनों के लिए एक तरह से इंसान के लिए, आम इंसान के लिए भी, सबके लिए, आपके लिए है, आप यही देखिए हिंदू कोड बिल, हमने पढ़ा हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल में सबके लिए है बात, केवल दलित ओबीसी जी बहुजन है, दलित ओबीसी के लिए केवल बात नहीं है, समस्त जाति के लिए, समग्र जाति के लिए, महिलाओं के, आपको यदि लोग पढ़ ले तो वो कौन मतलब की खुद, अब इसमें महिलाओं के अधिकार की बात हुई है तो केवल महिला दलित सूत्र में थोड़ी है, हर जाति में है, स्वर्ण में भी है, तो पढ़ना चाहिए उत्थान के लिए भी, हिंदू कोड को भी जानना चाहिए, एक इंस्टॉल में आपको दुनिया के वो हर किताब मिल जाएंगे जिसको जो आपको क्या, देखिए इतना खूबसूरत तस्वीर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यहाँ भी मिल रहा है, और आप यहाँ बहुजन समाज के जो लोग हैं वो यहाँ से ये स्टैचू ले जा सकते हैं, और घर में जो पूजा पाठ करते हैं उसके बदला आप जो बाबा साहेब अम्बेडकर है उनका पूजा भी कर सकते हैं, वो भी यहाँ मिल रहा है। चलिए तो आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल में वो सारे किताब मिल जाएंगे, सारी पुस्तकें मिल जाएगी जो आपको मार्केट में नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, बहुजन समाज के वो तमाम हीरो जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं लेकिन जानना ज़रूरी है उनके बारे में, वो सारी किताबें किताबों का यहाँ पे सारे किताबों का यहाँ पे सारे किताब यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे। ये कौन सी किताब है सर? ये किताब है बहुजन ए टू जेड जी, ए फोर अम्बेडकर, बी फोर बुद्धा, सी फोर चंद्रगुप्त मौर्य, डी फोर दीक्षा भूमि, ई फोर एकलव्य, ये सब बहुजन वाले जो है, ए फोर फातिमा शेख, जी फोर गाडगे बाबा, एच फोर हर्षवर्धन, आई फोर इंडिया, जे फोर जेतुबा फूले, के फोर कबीर, एल फोर ललई सिंह यादव, एम फोर मतादीन, एम फोर मायावती,
एम फोर मंगूराम, एम फोर एम एच ओ यू महू, महू का मतलब हुआ मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। एन फोर क्या हुआ नारायण गुरु, ओ फोर क्या हुआ ऑर्गेनाइज करे, जो बाबा कहते संगठित करे तो ऑर्गेनाइज, पी फोर पेरियार, क्यू फोर क्वीन महामाया है और क्यू फोर क्वालिफाइड है और जी वो गौतम बुद्ध के मौसी जी, हाँ क्वीन महामाया। आर फोर संत रविदास है, एस फोर सम्राट अशोक है, टी फोर क्या है तुकाराम है, यू फोर उद्धम सिंह, बी फोर विजय स्तंभ, बी फोर वेद प्रकाश भी आप पढ़ सकते हैं हमको ठीक है, डब्ल्यू फोर राइटर, एक्स फोर जुआन जंग और जेड फोर जैन मास्टर, जैन मास्टर, जेड फोर जूम कर लीजिए तो ये हो गया बहुजन का। हाँ हाँ और हिंदी में है ये किताब है सम्यक प्रकाशन का बहुजन वर्णमाला ठीक है हिंदी में, हिंदी में। आज से अशोक महान, आज से अम्बेडकर, इसे इतिहासकार, इसे वी रामास्वामी, उसे उद्धम सिंह, उसे उदा देवी पासी, ऐसे एकलव्य, ऐसे ऐतिहासिक, ऋषि ऋषि सम्मुख, ओसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ठाकुर का कुआं वाले वाल्मीकि जी, औसे औषधि, अंग से अंगुली माल, अह से कुछ नहीं खाली, हाँ क से कबीर साहब, ख से खुसरो भंगी, ग से गंगू मेहतर, घ से घासी दास, अड़ा से खाली, च से चंद्रगुप्त मौर्य, छ से छत्रपति साहू जी महाराज, से जगदेव बाबू बिहार ले ले, से झलकारी बाई, त से तात्या भील, तात्या भील, थ से ठाकुर गुरुचंद, द से डी के खापरे, घ से घाल, त से तक्षशिला विश्वविद्यालय, थ से थेर, द से दीना भाना, ध से धम चक्र, न से नारायण गुरु, प से पसे नदी महाराज, पसे नदी महाराज, फ से फातिमा शेख, ब से बहुजन नायक, भ से राम भगवान बुद्ध, हाँ और म से महात्मा ज्योतिबा फुले, य से यशोधरा, र से रामाबाई अम्बेडकर, ल से कलाई सिंह यादव, व से विजय स्तंभ, श से शिवाजी महाराज, स से सदान, स से सावित्री बाई फुले, ह से हाथी, हाथी मतलब बहुजन समाज पार्टी, छ से क्षमा, त्र से त्रिपिटक, ज्ञ से ज्ञानवान। हाँ तो ये है बहुजन का ये जो है वर्णमाला है सब कुछ हम ही लोग बता देंगे तो इन लोग कैसे खरीदेंगे हाँ और सब यहाँ कैसे आएंगे। आप तारीख पूछिए कि कब तक है और कितने बजे से कितने बजे आना है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बात करते हैं कपिल जी से। कपिल जी मुझे ये बताइए कब तक आपका जो है ये इंस्टॉल रहेगा यहाँ पे। मेरा कब तक है ये 12 तारीख तक है। 12 तारीख तक है। 12 तारीख टाइमिंग क्या होता है इसका। सुबह आपका 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। और जो इस मेले की जो एंट्री है वो गेट नंबर 10 से है। गेट नंबर 10 से, गेट नंबर 10 से एंट्री है ये याद रखें क्योंकि इस बार जगह थोड़ा चेंज हुआ है जी। पटना के गांधी मैदान में गेट नंबर 10 से आप एंट्री करेंगे और पटना पुस्तक फेयर लिखा हुआ है 2023 वहां से आप एंट्री कर जाएंगे। जैसे ही आप दो पुस्तक मेला है आपको पटना पुस्तक मेला आना है। एक नेशनल पुस्तक मेला है सामने में उसमें जा सकते लेकिन सम्यक प्रकाशन के लिए पटना पुस्तक मेला आना है। यदि नंबर 10 के पास गेट नंबर 10 के बाद सम्यक प्रकाशन यदि आपको आना है तो आप गेट नंबर 10 से एंट्री करेंगे और यहाँ आपको सम्यक प्रकाशन गेट के जस्ट सामने में मिल जाएगा और सामने में ही आपको तमाम बहुजन लीडर्स के तस्वीरें मिल जाएगी। बाबा साहब को देख सकते हैं आप, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, पेरियार ईवी रामास्वामी, साहू जी महाराज, रामाबाई, माता सावित्री बाई फूले, राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले तमाम। और यहाँ पे आपको एक मनुस्मृति भी मिलेगी, पंडित रमेश्वर भट्ट कीर्तन ये इन्होंने लिखा है, ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा लेकिन इसको लेना नहीं है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आलोचना स्मृति भी लिया जाए, लेके पढ़िए कि आपके बारे में क्या सोचते थे वो लोग। अच्छा ये जरूरी है, काट क्या है ये तो पता चलेगा। इसका काट संविधान है, संविधान है। इसका काट ये है, इसका काट ये है, इसका काट ये है, स्मृति का काट ये ही है, बाबा साहब का संविधान। चलिए तो आपको जो है किसको काटना है ये भी देख लीजिए और क्या काट है वो भी देख सकते हैं और तमाम तरह के जो बहुजन लीडर्स हैं उनकी किताबें यहाँ पे उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हो या उन पे आधारित जीवनी की किताबें हो वो तमाम किताबें आपको यहाँ पे संग्रहित मिलेगी। आप आइए और डिस्काउंट में सम्यक प्रकाशन से किताब ले जाइए। यदि आप पटना के इर्द गिर्द हैं या बिहार में कहीं से भी हैं पटना आते हैं एक बार मेला जरूर आइए, सम्यक प्रकाशन आइए और
किताबों को यहाँ से खरीद के ले जाइए, पढ़िए, जीवन को बेहतर कीजिए।